हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार के खिलाफ महंगाई और पेट्रोल पदार्थों में वृद्धि को लेकर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में जन आक्रोश रैलियां करेगी, जिसमें कांग्रेस के नेताओं सहित कांग्रेस कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई और प्रदेश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी और धरना प्रदर्शन करेंगे। दूसरे फेस में अब ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस द्वारा रैलियों का आयोजन किया जाएगा। हमीरपुर जिला में 7 से 17 जुलाई तक ब्लॉक स्तर की रैलियों का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने दी। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिला में ब्लॉक स्तर की रैली 8 जुलाई को बड़सर में आयोजित की जाएगी, जिसमें पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर सहित जिला कांग्रेस के नेता भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि इस मौके पर सह प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। पहला शेड्यूल तो हमारा पूरा हो चुका है, 26 से लेकर 2 तक जिला स्तरीय रैलियां करनी थी, इसके मुताबिक करना है। 1 जुलाई को यहाँ पर हमीरपुर में आक्रोश रैली का आयोजन किया था। अब दूसरे फेज में 7 से लेकर 17 तारीख तक ब्लॉक स्तर की जो रैलियां हैं उनको करने जा रहे हैं, और उसमें हमारे जो प्रभारी हैं ये संजय दत्त जी सह प्रभारी, वो ज़्यादा से ज़्यादा रैलियों में भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी कड़ी में 8 तारीख को हमीरपुर आ रहे हैं। हमीरपुर जिला में बक्सर में हमने पहली रैली रखी है ब्लॉक स्तर में, और वो 8 तारीख को 3:30 बजे शाम को होगी, और उसमें हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री राठौर जी, कुलदीप सिंह राठौर, वो भी उसमें शिरकत करेंगे। जैसे बताइए, इसका आक्रोश रैली का मुख्य विषय तो महंगाई के खिलाफ हमारा जो प्रोटेस्ट है, और जो हमारा बेरोजगारी के खिलाफ है, जिस तरह से कोरोना में लोगों के साथ सरकार की तरफ से अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, कई सब्जेक्ट को लेकर हम इस विषय पर ये आक्रोश रैलियाँ सरकार के खिलाफ कर रहे हैं।